सो लेट्स स्टार्ट विद द पी वाई क्यूज ऑफ पी ब्लॉक, जिसमें ग्रुप 13 और 14 11th स्टैंडर्ड में आता है. ओके, 11th स्टैंडर्ड के इसमें आता है ना. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. बोरॉन फैमिली के बारे में बात कर रहा है, अबाउट डाइबोरेन. इट इज 2022 का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ईजी सा डाइबोरेन के ऊपर. फोर टर्मिनल हाइड्रो बी एच बॉन्ड्स आर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन. येस दे आर ट्रू, येस इट इज ट्रू. ओके, द फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द टू बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन. येस इट इज ऑल्सो ट्रू. टू बोरॉन आर एस पी टू हाइब्रिडाइज. देर आर टू थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. ओके, देर आर टू थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. इसमें ये भी ट्रू है आपका कि टू सेंटर थ्री. देखो बोरॉन ये बी टू एच सिक्स का ये होता है कुछ स्ट्रक्चर, एच 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 और एच. अगर मैं ये पूरा एक प्लेन में दिखाऊँ तो इसके ऊपर वाली प्लेन में जो आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा वो एक रहेगा हाइड्रोजन, और एक नीचे वाली प्लेन में ऐसे दूर जाता हुआ दिखेगा और एक हाइड्रोजन. तो ऐसा कुछ रहता है P2H6 का. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें टू सेंटर, दो सेंटर है, दो न्यूक्लियस, दो सेंटर, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वैसे चार बॉन्ड्स है अपने पास, इट इज ट्रू. फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एंड टू बोरॉन वन प्लेन, इट इज ऑल्सो ट्रू. फिर टू बोरॉन आर एस पी टू हाइब्रिडाइज, ये गलत है. और टू सेंटर थ्री इलेक्ट्रॉन, टू सेंटर सॉरी थ्री सेंटर बी दो बी और एक एच के बीच में दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बार बार इधर से उधर हो रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो ट्रू. तो आपका गलत वाला हो गया, दो बोरॉन टू बोरॉन एटम्स आर एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इट इज एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड. क्यों? देखो बी एच थ्री जो होता है आपका, बी एच थ्री इज एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड. इसमें एक वेकेंट पी रहता है, इसमें एक वेकेंट पी रहता है बोरॉन के पास. जब भी ये इलेक्ट्रॉन इधर से लेके इधर दो के, तो इस वेकेंट पी में भी तो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा. तो इसमें थ्री हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, भले ही थोड़े टाइम के लिए आए रेजो, मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स आए, बार बार चेंज होने वाले, फिर भी इसको एस पी थ्री हम लोग बोलते हैं. ओके, बी एफ थ्री इज अ प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड. द हाइब्रिडाइजेशन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली इज. देखो बी एफ थ्री इज अ प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड. ऑब्वियसली वी नो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एस पी टू एंड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट इज. देखो पहली बात तो एट होगा ही नहीं, क्योंकि एट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट का रहा, इन लोगों ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही कट कर दोगे आप. सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको एस पी टू और सिक्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास छः इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये आपको पता है. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ द मैच द करेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. सी ओ एंड एच टू इज अ सिंथेसिस गैस, सिन गैस, वाटर गैस, ये भी बोलते हैं. टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर. और क्या ऑप्शन दिया, अच्छा टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, ये आ जाएगा बेस्ट ऑप्शन, मैग्नीशियम हाइड्रो बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट की वजह से ही टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर आता है. B2H6 एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, यस. एंड H2O2 इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर. तो डी का ऑप्शन दिख रहा है हमें फोर्थ. और क्या मैच होगा यहाँ पे, फिर फर्स्ट का थ्री. ओके, एंड सी का यहाँ पे टू और बी का वन सी का टू. ऑप्शन नंबर डी इज ओवर योर मैचिंग. ओके, थर्ड का हो जाएगा आपका डी. बोरिक एसिड इज एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल एक्सेप्ट्स OH माइनस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, कंबाइंस विद प्रोटॉन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, कंटेन्स रिप्लेसेबल एच आयंस, गिव्स अ प्रोटॉन. इट इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, इट डज नॉट गिव प्रोटॉन्स, इट डज नॉट हैव रिप्लेसेबल एच आयंस. इसके पास है बट वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है. बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप देखोगे BOH एंड BOH, ऐसा मैं बता देता हूँ. ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है सब जगह, तो इट इज नॉट फ्री, बट इट हैज अ वेकेंट पी ऑर्बिटल. बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें एस पी टू है, इसके अलावा वेकेंट ऑर्बिटल है. तो ये एक्सेप्ट्स OH माइनस फ्रॉम वाटर एंड रिलीजेस अ प्रोटॉन. वाटर किसका बना है, एच प्लस OH माइनस का, उसने OH माइनस ले लिया अपने पास अपने वेकेंट, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इसने इसको ले लिया, तो बचा गया एच प्लस, ये रह गया सोल्यूशन में, तो इट बिकम्स एसिडिक. तो हम लोग बोलते हैं कि बोरिक एसिड इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट, इज अ लुविस एसिड. इट्स अ लुविस एसिड, लुविस एसिड बोलते हैं इसको, एंड मोनो बेसिक लुविस एसिड है वो. ओके, इट्स अ मोनो बेसिक वीक लुविस एसिड. इट एक्सेप्ट्स OH फ्रॉम वाटर एंड रिलीजेस प्रोटॉन. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ए इन विच द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ AL इज B एंड A एंड B आर रिस्पेक्टिवली. A और B क्या है रिस्पेक्टिवली वो ढूंढना है. एल्यूमिनियम क्लोराइड इन वाटर. ओके, देखो एल्यूमिनियम इज अ थर्ड पीरियड नहीं फोर्थ पीरियड एलिमेंट विच कैन एक्सपांड इट ऑक्टेट.
थर्ड पीरियड एलिमेंट है विच कैन एक्सपांड, सॉरी थर्ड पीरियड एलिमेंट है विच कैन एक्सपांड इट ऑक्टेट, तो ये छः वाला बनाएगा. ओके एंड वाटर वी नो इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो उसके ऊपर तीन न्यूट्रल लिगेंड है ये वाटर, तो Al प्लस थ्री के ऊपर प्लस थ्री चार्ज. तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे चार आ रहा है, तो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग. तो सिक्स तो मतलब सी और डी ऑप्शन तो आप ऐसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हो. ओके नाउ इट कैन एक्सपांड इट और, तो ए और बी में से कुछ होगा. अभी हमें तो पता चल गया कंपाउंड ये है Al2H2O6, ये आपने पढ़ा भी रहेगा एनसीईआरटी में. अभी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp मतलब ऑक्टाहेड्रल तो है क्योंकि छह लिगेंड्स है, ऑक्टाहेड्रल होगा, बट D2SP3 होगा कि SP3D2. वी नो वॉट इज अ वीक लिगेंड, वाटर इज अ वीक लिगेंड, ये हम लोग कोऑर्डिनेशन का नॉलेज यूज कर रहे हैं. वाटर इज अ वीक लिगेंड, तो ये क्या आपको करा पाएगा, क्या लोन पेयर पेयरिंग करा पाएगा इसमें, नहीं. तो इट्स अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, SP3D2 इज एन एग्जांपल ऑफ दिस. तो क्योंकि वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड ऑलवेज ऑलवेज आउटर कॉम्प्लेक्स होगा. ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अनस्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अनएबल टू फॉर्म MF6-3-, मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अनेबल टू फॉर्म दिस मच दिस आयन, कौन है वो. देखो बोरॉन ही होगा ना, क्योंकि बोरॉन तो अपना ऑक्टेट एक्सपांड ही नहीं कर सकता. बाकी तो अब तो देखो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम सब एक ही ग्रुप के हैं, मतलब ग्रुप 14 की बात चल रही है इधर. ओके तो बोरॉन के पास इतना तो है नहीं, तो वो बना ही नहीं पाएगा. इट कैन मैक्सिमम टू बी थ्री, मैक्सिमम थ्री या तो BF4+ हो सकता है, और उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता. ओके क्योंकि इसके पास वेकेंट डी नहीं है, रीजन ये हो जाएगा. स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमॉन्ग AlGaI इंडियम एंड थैलियम इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस. देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप. लेट अस अरेंज देम इन अ ग्रुप, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ऐसा होता है. तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो थैलियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर एल्यूमिनियम का नहीं आएगा, फिर तो सेवन्थ का आपका ऑप्शन दिखेगा बी, एल्यूमिनियम का नहीं आएगा इसमें. तो लोअर ऑक्सीजन डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, तो डाउन द ग्रुप सीधे सीधे एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, उससे ज्यादा थैलियम इंडियम, उसके ज्यादा थैलियम. ओके ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, रीजन भी देते चलो क्योंकि आपको याद होते जाएंगे रीजंस फिर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. देखो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, B2H6, और B2H6 इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. ओके SiO4, देखो SiH3, SiO2H6, ये चार इसके पास चार बॉन्ड खुद के हैं और दो ये बना ही लेगा. तो दिस ग्रुप 14 वाला है ये, सॉरी नॉट ग्रुप 14, कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप 15 वाला है, कार्बन फैमिली का है ना. तो ये दोनों तो आपस में ये नहीं है, और फॉस्फोरस के पास तो लोन पेयर है, तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, दीज आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स. ओके ये हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉर्म बाय ग्रुप 13, फिर ग्रुप 14 बना था इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स है. फिर 15, 16, 17 क्या बना था इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, उसमें भी 15 के पास एक लोन पेयर, 16 के पास दो, 17 के पास तीन, तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बनाते हैं. तो उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्राफाइट, ग्राफाइट किसके जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर ग्राफाइट जैसा है. इट इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन. Bn आपका दिखाता है बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड शोज अ ग्राफाइट लाइक स्ट्रक्चर, बोरॉन नाइट्राइड. ओके एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना Al2O3 बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार, ये आपको याद होना चाहिए, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार. और अभी देखो HF नहीं होता है, KF नहीं होता है, तो ऑप्शन ए और डी तो आपने हटा दिया, बट आपको CF2 कॉमन दिख रहा है, CF2, बट आपको क्रायोलाइट का फॉर्मूला याद है क्या, Na3 AlF6, इट इज AlF6, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर फॉर यू. तो ये होता है क्रायोलाइट, ये क्रायोलाइट बोलते हैं, इसको फ्लोरोस्पार बोलते हैं क्योंकि फ्लोरीन है, फ्लोरोस्पार, और उसको सब में इट इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर. इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिना का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, अगर इसको इन दोनों को यूज किया उसके बाद तो मेल्टिंग पॉइंट काफी रिड्यूस हो जाता है, ये आपको मेटलर्जी चैप्टर में देखने मिलेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, प्योर सोडियम मेटल डिजॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू कलर सॉल्यूशन. यस इट इज ट्रू, क्योंकि हमें पता है अल्कली मेटल्स, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी पूछा जा सकता है. NaOH रिएक्ट्स विद अ ग्लास टू गिव अ सोडियम सिलिकेट, देखते हैं. एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस NaOH टू फॉर्म AlOH3. ओके सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव सोडियम कार्बोनेट, इट इज ट्रू, ये तो ट्रू है हमारा, बाइकार्बोनेट से हीटिंग करके हम लोग कार्बोनेट बनाएंगे. ओके एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस NaOH टू गिव AlOH3. यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो गया, ये टिक नहीं होगा, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट बोल रहा हूँ.
React sodium reacts with sorry sodium hydroxide reacts with glass to give sodium silicate. It is true. Aluminium reacts with NaOH. Aluminium reacts with NaOH to form आपका सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ऐसा बनाता है ये, नॉट Al2OH थ्राइस, ये नहीं बनाता, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा. द टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3, BBr3 टू बिहेव एज अ लेविस एसिड डिक्रीजेस इन द सीक्वेंस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट. बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट, बैक बॉन्डिंग, देखो BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, वी नो दैट, बट द फ्लोरीन हैज थ्री इलेक्ट्रॉन, थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी बोला मैंने 17th ग्रुप का है ये, थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसके पास एक वेकेंट पी भी है. तो हम लोग ने रेजोनेंस कंडीशन में क्या पढ़ा, लोन पेयर विथ वेकेंट पी रेजोनेंस हो सकता है क्या, इसको बोलते हैं ये लोग बैक बॉन्डिंग. इस केस में बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, रेजोनेंस नहीं बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि एक टेम्प्ररी पाई बॉन्ड बनेगा सब जगह से एक एक बार करके. तो इसका स्ट्रक्चर फाइनली कुछ कुछ ऐसा दिखता है आपको, ओके कुछ पार्शियल बॉन्ड्स दिखने लगते हैं. ओके नाउ द सीक्वेंस ऑफ लेविस एसिड, लेविस एसिड कौन बोलता है, लेविस एसिड इज दैट सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स अ लोन पेयर, लेविस एसिड एक्सेप्ट लोन पेयर करेगा, बट इसकी तो कमी जो थी वो तो इसने पूरी कर दी ना, और लेविस एसिड का ना बिहेव करने के लिए उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, बट इसका वेकेंट ऑर्बिटल तो इनके इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, एक बार ये देगा फिर वो वापस ले लेगा, फिर ये देगा फिर ये देगा, ऐसा कर करके इसका इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है. तो लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम BF3 टू BCl3, फिर BBr3, BBr3 और फिर Bi3. सबसे ज्यादा लुइस एसिड कौन है, Bi3, क्योंकि इसमें इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, आयोडीन सॉरी बोरॉन का साइज बहुत छोटा है, आयोडीन इज वेरी बिग, तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगा. तो इसमें आयोडीन के बारे में बात नहीं किया, बट ड्यू टू लेस इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग BBr3 विल बिहेव एज मोर एसिडिक इन नेचर. तो लुइस एसिड BR3 ज्यादा रहेगा, BCl3, फिर BF3 वुड बी इन लास्ट. तो और कोई ऑप्शन में मुझे BF3 नीचे दिख नहीं रहा है एकदम लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर B would be the correct answer for 12th. Okay. The stability of plus one oxidation state increase in the sequence of plus one oxidation state increase in the sequence. Again, I have told you again and again ki down the group plus one stability increase hota hai. Isme koi bhi exception nahi hai. To aapko kya dekhna hai? Thallium. Dekho, wapis aluminium aa gaya. Galat. Thallium, indium, gallium, aluminium. Yes, this is correct. Left side inka ho jayega D option. Okay. Al2O3 can be converted to anhydrous AlCl3 by heating with Al2 with NaCl in solid state. Mixture of Al2 with कार्बन इन ड्राई Cl2, Al2O3 विद Cl2 गैस, और क्या कर सकते हैं हम लोग, Al2 विद HCl गैस. ये रिएक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे कि मिक्सचर ऑफ Al2O3 विद कार्बन एंड ड्राई Cl2 गैस से कन्वर्ट कर इसको हीट करेंगे तो हमें AlCl3 मिलेगा, अनहाइड्रस AlCl3. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is an electron deficient molecule? Electron deficient वापस देखो B2H6 दिखते ही आपको, मतलब 14th ग्रुप का कोई भी आपको 13th ग्रुप का कोई भी हाइड्राइड दिखे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होगा. जो द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, नॉट अ प्रोटिक एसिड मतलब वो प्रोटॉन देके एसिड नहीं है. देखो इन लोग ने क्या किया है, स्ट्रक्चर्स चेंज कर दिया सबको, हमें पता है BOH थ्राइस इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, ये हम लोग डायरेक्टली टिक कर देंगे, बट पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे. तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ, H2SO4 होगा क्या ये, इसको इन लोग ने SO2 इधर लिखा है, फिर OH को ट्वाइस इधर लिखा है, जस्ट टू कंफ्यूज यू कि इसके जैसा ही स्ट्रक्चर ऐसा दिया, तो आप सोचने लगा रहे ये तो इसके जैसा दिख रहा है, ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या, बट वी नो दैट H2SO4 इज अ प्रोटिक एसिड, H2SO4 इज अ डायप्रोटिक एसिड नॉट अ प्रोटिक. फिर इधर H3PO4 नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में दिया है, इट इज ऑल्सो प्रोटिक एसिड. फिर दिया है H2SO3, इट इज ऑल्सो प्रोटिक एसिड. तो इनमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कंफ्यूज हो जाओ. तो आपका सबसे बेस्ट आंसर रहेगा कि B2OH3 इज मतलब बोरिक एसिड इज अ नॉट अ प्रोटिक एसिड. इसका वापस बोलो क्या है, प्रोटिक बोरो मतलब बोरिक एसिड इज वीक मोनोबेसिक लेविस एसिड. बार बार बोलो वीक मोनोबेसिक लेविस एसिड. इन बोरेक्स बी टेस्ट विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इन बोरेक्स बी टेस्ट मेटाबोरेट इज फॉर्म्ड कैसे, पहले आप बोरेक्स लोगे, बोरेक्स में कितना बोरेक्स लोगे, बोरेक्स में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उसको हीट करोगे पहले तो आपके सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चले जाएंगे, ऑल 10 ऑफ 10. तो बचेगा क्या, Na2B4O7, ये बोरेक्स बच गया, बोरेक्स और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था खाली ये बच गया कंपाउंड. अब इसको और हीट करोगे तो आपको मिलेगा NaBO2, इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट. इसके जैसा ही स्ट्रक्चर दिखा रहा था एल्यूमिनियम का, इसमें एल्यूमिनियम ऐसा ही दिखा रहा था स्ट्रक्चर,
कहाँ गया? अभी तो हम लोग ने किया था एल्यूमिनियम फॉर्म्स, यस Na(Al)2O₃। देखो इस साइड ही दे, ये क्वेश्चन में अभी क्या ना, सोडियम रिएक्ट विद एक्सेस NaOH टू फॉर्म सोडियम अल्काइल, सोडियम सोडियम मेटाबोरेट, ये अल्केनोएट ऐसा बनेगा। ओके इसका नाम क्या बोल दिया था हम लोग ने, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट, और इसको मेटाबोरेट। तो सेम स्ट्रक्चर है क्या, मेटाबोरेट NaBOT NaBO NaBO ट्वाइस एंड NaAlO ट्वाइस, सेम ही ग्रुप के तो सेम कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे। तो बोरैक्स बीट टेस्ट में ये होता है सोडियम मेटाबोरेट, तो मेटाबोरेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज आपका BCl3। ओके BCl3 अगेन मैंने बोला कोई भी हाइड्राइड ऑफ 13th ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, लिविस एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द, लिविस एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टैनिक क्लोराइड। लिविस एसिड कौन है सबसे ज्यादा, देखो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में मेरे वाला बैक बॉन्डिंग होगा तो ये लिविस एसिड के साथ इतना बिहेव नहीं करेगा। स्टैनिक और स्टैनस क्लोराइड, स्टैनिक एंड स्टैनस क्लोराइड, इसका आपको फॉर्मूला पता आना चाहिए पहले। तो इसमें क्या होगा, देखो स्टैनिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, देखो इक है और ये अस है। स्टैनिक मतलब टिन को हम लोग, टिन के कंपाउंड को हम लोग एसएन से लिखते हैं, तो स्टैनस स्टैनिक बोल देंगे टिन को। तो स्टैनिक मतलब इक मतलब हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में वो, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा क्या होता है +4, तो टिन नहीं बोलते हम लोग ऐसा ही बोलते थे एसएन, एसएनसीएल मतलब एसएनसीएल4 मतलब चार ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये +4 है। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी +4 में है तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हो गया ना कंप्लीट ऑक्टेट। तो स्टैनिक क्लोराइड विल नेवर बिहेव एज अ लिविस एसिड, तो स्टैनिक क्लोराइड वाला काट दो आप। ओके फिर बचा स्टैनस क्लोराइड, स्टैनस मतलब अस मतलब लेस, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +2 या +4 दिखा सकता है ये, तो +2 दिखाएगा। अब इस केस में +2 दिखा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इसके पास चार ही है, चार है। और BF3 मैंने बोला था BF3 इज नॉट दैट मच ऑफ एसिड, लिविस एसिड, बट अगर देखो BF3 में क्या हो रहा है, आपने वही पढ़ा था BF3 में आप ये बना रहे हो, वो इन लोग लोन पर दे रहे और उसका वैकेंसी पूरा करने का ट्राई कर रहे हैं, इसका डेफिशिएंसी पूरा करने का ट्राई कर रहे हैं, बट इफेक्टिव तभी होगा जब भी कोई बाहर से दे, बाहर से आपका अगर न्यूक्लियोफाइल आके इधर दे दे कुछ आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो तभी वो इफेक्टिव होगा। तो इसीलिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड स्टैनस क्लोराइड विल बिहेव एज अ लिविस एसिड। मैंने बोला था बोरॉन फ्लोराइड उनके ग्रुप के फ्लोराइड्स के साथ मतलब हैलाइड्स के साथ ये नहीं दिखाएगा, मतलब लिविस एसिड कैरेक्टर इतना नहीं दिखाएगा, बट लिविस एसिड वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ठाक स्टेबिलिटी देता है, बट बाहर से कोई और दे तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए अटेम्प्ट करेगा वो।